चार दंडल चौथ नहीं पिक्चर्स ये जो चेंज हो रही है पिक्चर्स कर सकते हैं, कोई करोगे चलाती जाओ उसकी देखो देखो जाओ ठीक है। ये तो मैंने बढ़ता है बनाई ठीक है। हाँ डाउन होता है इसका ठीक राइट साइड की लगाई थी ये बात में जो अभी नहीं करा रहा हमारी जॉब लगी ना ये वहां पे पहली साइड थी मैंने पहली जो कर रही ये देखिए पैकेजेस में सारे थे इसमें कार रिपोर्ट बाइक रिपोर्ट रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट बढ़िया हुआ। कार रोड रिपोर्ट उसके अंदर होता है मैंने कॉपी करा ये ऑप्शन लगाने होते हैं मुझे थोड़ा दिखा रहा हूँ ये देख रहे हैं यार देखिए ये कार वॉश की साइड है मैं कंपेरिजन दिखा रहा था ये देखिए ये हो गया बिफोर आफ्टर देखिए तो मैंने बहुत ज्यादा सर्चिंग की थी और तो गया था एक मिनट के अंदर लेकिन फिर ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैंने ग्राफिक डिजाइन को मैंने पहले सारी पिक्चर थी मैंने कहा तो एक की लगाओ चलिए एक मुझे दो और साफ पिक्चर तो ये थी तो मैंने डिजाइन को पहले मिट्टी की थी लगवाई पिक्चर तो यहाँ पे रुको गलत लगे ना तो क्या फिर दिखाऊँ इस लाइन का प्रॉब्लम था रिव्यू देखें स्लाइड का आ रहा अच्छा आप ये मेन पर्पज आपको दिखाने का था ये एक साइड है ठीक है आप देखिए पाउस का कटर शो रहा लोग यहां से लेके यहां तक आपका डिप बनेगा ये हो जाएगा डिप एक डिप बन जाएगा तो आप क्या क्लास देंगे हेडर या नेविगेशन दे देंगे यहाँ पे बनेगा दूसरा डिप यहाँ से लेके आएंगे दूसरा डिप तो हम क्या क्लास दे देंगे स्लाइडर यहाँ से लेके आएंगे दूसरा डिप यहाँ से लेके दे देंगे कंटेंट। अच्छा आप फर्क देखिएगा आप ये वाले की स्क्रीन का कलर है ऊपर जहाँ पे मैंने माउस रखा उसका कलर है वाइट नीचे वाले सेक्शन का कलर देखिए क्या आ रहा है नॉर्मल स्मोक गुड स्मोक वाइट कलर का है स्मोक वाइट आ रहा है तो आप देखें फर्क आ गया तो ये देखिए थोड़ा सा लेआउट में डिफरेंट है पूरी वेबसाइट पर वाइट चला हुआ कुछ समझ में नहीं आई क्या देखिए थोड़ा स्मोक वाइट आ गया ठीक है इसी के साथ नीचे भी स्मोक वाइट आ गया फिर वापस मैंने वाइट देखे ये व्हाइट आ गया फिर वापस स्मोक व्हाइट आ गया फिर कॉम्बिनेशन ही मैंने बनाया किसके थ्रू बनाया डिस्क के थ्रू बनाया। अब मैं आपको इसकी कोडिंग खोल के दिखाऊंगा और जितनी भी आपने कोडिंग देखी होगी ना जितनी भी कोडिंग देखी होगी ना भाई डिस्क के बिना काम नहीं होता तो स्टार्ट दिखाता हूँ बिस्मिल्लाह से मेरी की डिस्क ठीक है उसने देखा उसकी क्लासे देखे थे डिस्क को पहले क्लास दे दी स्लाइड देखे आईडी भी दे दी क्लास भी दे दी लेकिन प्रोफेशनल क्लासेस दिए देखिए पेज लिखा हुआ है ये देखिए क्लास साइड प्रेजेंट है पेरेंट हेडर दिया हुआ है ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोबारा फिर खोला हुआ है तो देखिए साइड कंटेंट वेब सही लेकिन जितने भी काम उसने किया हुआ है डिफ के अंदर किया हुआ है देख रहे डिफ के अंदर क्या तो डिफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं डिस्क पे जाऊंगा ना तो देखिए हाईलाइट कैसे देखेंगे ये चीजें हाईलाइट कैसे होगी अभी आप देखिएगा ये मैं यहाँ पे क्या ये देखिए हाईलाइट हो गई इसका भी साइड डिस्क के अंदर बनाई गई है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा ना मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ ये देखिए ये पूरा सेक्शन है ना इसने डिस्क के अंदर बनाया ये देखिए अलग से ही अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है साइड वेब ठीक है। अब मैंने सिंपल इसको क्लिक करके मैं डिस्प्ले रन कर दूंगा ना लेकिन तो ये पूरा सेक्शन ही हट जाएगा इसमें पूरा सेक्शन ही हट गया देख रहे हैं इसका ये कमाल है क्योंकि चीज को ऐसा ले आता है अगर फ्री वर्किंग भी हम करेंगे ना तो इसके थ्रू करेंगे इसके थ्रू करेंगे भाई ये फ्री वर्किंग भी होगी ना हमारी इसके थ्रू ही होगी। मैं प्रैक्टिकल कुछ चीजें आपको करके दिखाता हूँ ठीक है आप लोगों को आइडिया देखिए जिसका सवाल भी सही रहता है ठीक है। और डिस्क के थ्रू हमारा काम थोड़ा जबरदस्त हो रहा है कुछ बोलेगा नहीं यार तो डिस्क जो बताओ ना 10% या 60% में लेके जा रहा है समझ के बीच हिस्से में टॉपिक ना सब डिस्क कवर कर देगा डिस्क का आना जरूरी मुजम्मिल अच्छे अच्छे अलग अलग से लेआउट बना के आता है एक ही डॉक अंदर तीन तस्वीरें लेके जाए प्रोफेशनल वे में वो कैसे रहती है डिस्क डिस्क के थ्रू लगती है डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्क ये नहीं करता डिस्क थोड़ा बंद कर दिया अभी आसानी डिस्क कब आएगा कहानी बंद होगी अभी जो मैं आप लोगों को डराऊंगा ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है करना तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा
हाइलाइट भाई सबसे पहले तो मैंने टैग खोला, मैंने टैग के अंदर क्या लिख दिया, इफ यूनिट डिव आ गया, इस मैंने डिव को थोड़ा बड़ा कर दिया, मैं डिव को क्या क्लास दूंगा, डिव क्लास हेडर, सही है, डिव क्लास हेडर और डैश लगा के मेन, डिव क्लास हेडर मेन मेन, सही है। ये मेरी कौन सा, ये कौन सा डिव हो गया, पैरेंट, ये मेरा कौन सा डिव हो गया, पैरेंट, पैरेंट, ठीक है, सही है, हाँ ये मेरा मेन डिप हो गया, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मैं दूसरा डिप कर दूंगा, ये मेरा कौन सा डिप हो गया, चाइल्ड, चाइल्ड, ये मेरा मेन डिपोर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट डैश बताने के लिए चाइल्ड, सही है। सही है भाई, जब डिप खुलेगा वो बंद भी होगा। हमने इसके अंदर दूंगा क्या, इसके अंदर में क्या दूंगा, इसके अंदर मैं एक दूंगा हेडिंग एच वन, एच वन को क्या दूंगा क्लास हेड, क्लास स्मॉल में देंगे कैपिटल में नहीं देंगे आप, हेड डैश वन, इसपे भाई इसमें स्पेस देकर नहीं लिखना, इसमें ना कुछ भी चीज को अगर अच्छा नाम देना तो डैश लगा के देना, स्पेस देकर लिखोगे ना तो क्लास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, स्पेस देकर नहीं लिखना, इसमें आप लोग को जो भी लिखना है क्या लगा के लिखना है, डैश लगा के लिखना है, ठीक है। मैंने भी देखा होगा डैश लगा स्पेस नहीं देना, हेड हेड के साथ लिखना है तो आप लोगों को हेड में तो मिलाप आ जाएगा, तो अगर हेड हेड लिख दिया और डैश लगा के फॉर्म लिख दिया तो ये एक ही क्लास होगी, अगर आपने इसको स्पेस दिया ना तो हेड अलग हो जाएगा बट अलग हो जाएगी, डबल क्लास हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स, सही है भाई, सही समझ में आ गया। हमने जितनी भी हेडिंग्स है ना वो एक ही डिफर इसके चाइल्ड में रखूंगा तो दूसरे के लिए अलग होगा। अब लिख लिया आप लोगों ने, मैं वापस इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर आगे पेस्ट कर दूंगा, देखो पूरा दे दूंगा अपना लिखूंगा टेक्स्ट कर दो, सही है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये मेरा कौन सा हो गया, हेडर मेन हो गया, हेडर पैरेंट हो गया मेन, दूसरा मेरा क्या हो गया चाइल्ड। अब मैं एक डिप और बोलूंगा वो मेरी क्या कहलाएगी सिबलिंग, ठीक है, एक डिप और बोलूंगा वो मेरी क्या कहलाएगी सिबलिंग, समझ में आ गए, पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग, पेरेंट चाइल्ड और स्प्रिंग क्या करता था, क्या दूंगा इमेजेस देता था, ठीक है, मैंने एक गिफ्ट और खोला, ठीक है, आपने इसी के अंदर काम करता है, अब आप देख रहे हैं मैंने इनकी मेन डिप मैंने क्या रखी है, जब मैंने इस डिप को सेलेक्ट किया तो रियली डिप के नीचे अंडरलाइन आ गए, इसने क्या बताया, देखिए ये मैंने चाइल्ड वाले डिप को सेलेक्ट किया
तो नीचे वाले डिट मुझे क्या बोल रहा है, लाइन कनेक्शन एंड था, ये क्योंकि आपस में मिली नहीं है। फिर देखिए मैंने जो चाइल्ड वाला डिप है उसी के अंदर मैंने सिब्लिंग का भी डिप खोला है, ठीक है। जो चाइल्ड वाले डिप सिब्लिंग की क्या हुआ, मेन के लाइन ऑन की, जो मेन मेन की पैरेंट तो आई है दोबारा ये वाला, क्यों है ये बेटा, ये नीचे नीचे सीधे है। चलो एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करो, आप अभी से कितने डिप बनाओगे, पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड, बस पेरेंट और चाइल्ड का काम, ठीक है। आप ये जो हमने पेरेंट और चाइल्ड हमने बना लिया, हम सिबलिंग का भी नहीं करते, ठीक है। हमने सिंपल पेरेंट और चाइल्ड बना लिया, समझ में आ गया, पेरेंट चाइल्ड वाला समझ में आ गया। हमने यहाँ पे जाके इसको ओपन ब्राउजर करता हूँ, ठीक है। ओपन ब्राउजर कर लिया ना, आप देखिएगा कोडिंग में मैंने चेक कर लिया, सही है। अब आप देख रहे हैं ये मेरा मेन मेन पे के जस्ट क्या हमने पूरे इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा, लेकिन फिर मेन के अंदर मुझे क्या देना, मेन के अंदर सिंपल मुझे देना है बैकग्राउंड कलर। मेन के अंदर बैकग्राउंड कलर नहीं देता, मेन के अंदर मैं इमेज दे देता हूँ, मेन के अंदर मैं इमेज ठीक दे देता हूँ, ठीक है भाई। हफ्ता एक तो आ रहा है ना, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग काम होगा, ताकि आप घर जाके सर्चिंग करो, ठीक है। यहाँ पे भी जाके ना कोई बैकग्राउंड, इमेज मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाली इमेज मुझे सही लगती है, बेटर लगती है, ठीक है। इसको क्या कर लूंगा, डाउनलोड ठीक है ना, एक ही फाइल और इधर फाइल करते हैं, ये वाली पिक्चर चाहिए, ठीक है। डाउनलोड हो गई, सिर्फ पे गए मैं 25 साल से मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, तो इतनी फाइल आ गई ना, क्या करें। अभी जब मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी ना, वो कहाँ पे चली गई होगी, मेरे डाउनलोड्स के अंदर चली गई होगी। तो मेरा क्या काम है, ये रियल पिक्चर है ना, ये डाउनलोड्स में चली गई। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, कट कर दूंगा, और मेरा जो फोल्डर है, कौन सा फोल्डर है वो वाला, और मैं दैट आई मीन मोर दैट बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। तो कोई बात नहीं, पेस्ट कर दिया मैंने, मैंने इस पिक्चर को फोन ला के पेस्ट कर दिया, नॉर्मल का पैटर्न था। तो आगे ना मैं रीनेम कर दूंगा और मैं लिख दूंगा पीजी, ठीक ठीक है। मतलब बैकग्राउंड इमेज अब मैंने इसके अंदर सेव कर दिया। अब बैकग्राउंड इमेज मतलब कैसी लगेगी, बैकग्राउंड इमेज हमें सबलाइन पे जाके नहीं लगेगी, बैकग्राउंड इमेज हमारे इंस्पेक्ट पे ही लगेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, मैंने अपनी मेन मेन पे भाई मेरी, ठीक है, मुझे बैकग्राउंड इमेज समझिए मेरी बॉडी हो गई, इसके ऊपर इमेज चली। मैं यहाँ पे सिंपल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड डैश इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यू आर एल, ठीक है। यू आर एल लिखा हो पीजी डॉट करके जे पी जी, ये मेरी बैकग्राउंड की इमेज आ गई, ये मेरी बैकग्राउंड की इमेज आ गई, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है मेरी हेडिंग वेडिंग इतनी छोटी छोटी है, तो इस हिसाब से जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, हेडिंग वेडिंग होगा, तो ये मेरी खुद का बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सही है। अभी सेंटर आ गया, आप थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। बस मुझे मेन डिस्क के अंदर यही करना था। अब मैं अब इसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप लोग, टेक्स्ट वाला है,
मुझे इन दोनों को सेंटर लेके आना, इन दोनों को सेंटर लेके आना। तो मैं पता क्या करूंगा कि मेरे दोनों जो एच वन है वो क्या है, इस ड्रिफ्ट के अंदर है। तो अगर मैं इस ड्रिफ्ट को दूंगा ना टेक्स्ट लाइन सेंटर, जो दोनों को सेंटर में सेंटर में ले कर दिया, आएगा, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ सेंटर टेक्स्ट लाइन सेंटर सेंटर, दोनों को सेंटर में ले आएगा। ठीक आगे समझ में, आगे समझ में। अब मैं इनको ना थोड़ी सी ना मुझे राइटर के बाहर थोड़ी स्पेसिंग वाले ताकि इमेज का साइज थोड़ा बड़ा। है। तो फिर आप मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे आके मार्जिन, ठीक है, मार्जिन दे दूंगा। और मेरे राइटर के बाहर स्पेसिंग बढ़ा दी ना, मैं दूंगा मार्जिन, मैं दूंगा 1 PS, यूपीएक्स 1 PS, 1 PS, 1 PS, नाम दे रहा लेकर हूँ, देख रहा हूँ। मार्जिन दोगी क्या होगी, हेडिंग होगी ना, मार्जिन तो आ जाए, हाँ जाएगा। ठीक है। मैं ऊपर वाले को टॉप दे देता हूँ। मेरा क्या बता था, लास्ट डिजिट 40, चल बस 40 दे देता हूँ। और मैं बॉटम को भी 40 दे देता हूँ, बॉटम सर, उसमें हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। सही है भाई। दोनों को 40 40 दे दिया। मेन आप लोग को समझने का क्या काम है, सिर्फ का काम है बस, सही है। 40 40 दे दिया। एक और चीज, एक और अट्रैक्शन में ला सकता हूँ, आपने बैकग्राउंड पे पिक्चर दे दी, वो तो मैंने मेन के पर, अब इसका तो मेन अलग ही है ना टेक्स्ट का। आप इसके ऊपर ही बैकग्राउंड कब देखें, आप इसके ऊपर बैकग्राउंड दो ना, तो देखिए किस तरीके से आएगा बैकग्राउंड। ये भी कंसीडर हो रहा है बैकग्राउंड के, फिर अलग दिख रहा है। अभी फिलहाल इतना देखें, इतना समझ पा रहे हैं सब लोग, इतना समझ में आ गया, पक्की बात है। हेडर हेडर मेन की वो खुलेगा इस बैकअप में, नीचे ऊपर करिएगा एडर मेन फीडबैक के ऊपर सबको मैंने भेज दिए, यूआरएल के अंदर के अंदर बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल का मतलब होता है कनेक्ट करना, लिंक करना, समझ में आ गई। यूआरएल आपको पता है ना, यूआरएल का मतलब होता है लिंक करना, लिंक कर दिया मैंने। और ब्रैकेट जब बना हुआ था ब्रैकेट क्या देते हैं, डिजिट और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अच्छा आप एक चीज, इतनी जबरदस्त होगी ना, आप कुछ बोलेंगे आपकी पूरी कोडिंग पता सेंटर में होते जाएगी। आप जैसे आप उसी के नीचे बटन खोल देंगे ना, तो बटन भी मेरा किसमें आएगा, पेंटेन में। अभी हम आप खोल के दिखा दो, पहले तो मैंने जो चीजें कहनी उसको क्या कर दूंगा, मैं ये सेव कर दूंगा, टाइम यानी कर दूंगा, कंट्रोल स्लैश सीक्वेंस कमेंट कर दिया। वो मैं आपको समझाऊंगा, वो इसका भी बहुत जबरदस्त पैटर्न सीक्वेंस है। ठीक है, ये मैंने अपने हेडर का लगा दिया, एक क्लास में लगा दी। अच्छा देखिए, मैंने तरीके से क्लास लेके जो समझ में भी आ रहा है ना आप लोगों के, ठीक है। सेव हो गया, ये देखिए मेरा। अब मैं इसके साथ एक और सीन करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पर आया सिंपल, अब देखिए एच वन है ना, मैं इसी के नीचे बटन का खोल दूंगा, बटन क्लास वन, मैंने क्या दे दी क्लास वन, और इसी के साथ में क्या लगा दूंगा, दूसरा बटन लगा कंट्रोल सी कंट्रोल, ठीक है। अब एक को, एक बटन को मैं क्या लगूंगा, मोर डिटेल्स, और एक मैं लिख दूंगा कॉन्टेंट नाउ। देखिए मैंने यहाँ पे बटन दोनों आपस में मिले हुए, मिले हुए ठीक है, लेकिन क्या होगा सेंटर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपनी मेन डिस्क उसको क्या दी थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
सही है भाई, ब्लडी टाइम हेडिंग आ रही है, फ्रेम में काम होता है नजर आ रहा है। तो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस करी कुछ किया मैंने नहीं किया, बस सिंपल 1 लाख। अब जो मैंने लेआउट बनाया ना थोड़ा तरीके का, अब आप लोग जो चीजें बनाएंगे ना पूरी तरीके की बनाए, सही है। हाँ एस्टिमेट को लेकर अंदर यार कुछ नहीं, रेंज भी लगा के बीच में ही लगाई था बैकग्राउंड इमेज बात है, पता वो कहां का है आप इधर साइड पे तो रेंज भी लगा कौन सी आपकी जो साइड की कार की, वो तो बेटा वो अलग जगह पे मैंने ऐसा रेफरेंस, वो अभी ऐसा रेफरेंस दिखा दे कि बॉर्डर किस तरीके से काम करता है, बैकग्राउंड में क्या कंप्लीट भाई कोडिंग कोडिंग का, तो मैंने कोडिंग का पैटर्न करता है यहाँ पे लिख दिया हेडर मेन, ठीक है। और तुमने क्या लिख दिया, इमेज अच्छा आप एक चीज और समझाने के लिए, यूआरएल प्रोफेशनल में वर्किंग किसी को करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, ये मेरा कौन सा हेडर है, ये आपने देखा मैंने मेन, तो सिंपल पता है, मैं कंट्रोल दबा के स्लैश दबाऊंगा ना तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा ये मेरा मेन हेडर का हेड है, ठीक है, याद रहने के लिए, ठीक है। अब इसी के साथ मैं थोड़ा इसमें स्पेसिंग दे दूंगा, अब मैं वापस यहाँ पर नीचे आऊंगा ये वाली चार्ट के डिफरेंस से, ठीक है। तो वापस मैं कमेंट बना दूंगा, कंट्रोल स्लैश लगाने का कमेंट का एक सेक्शन आप यहाँ पर लिखूंगा, ये मेरा कंट्रोल सेकेंड सेकेंड सेकंड फिर है जिस में सारा कंटेंट आया है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एच कर दिया। अब क्लोजिंग डिस्क की तरफ आऊंगा, ये देखिए ये मेरा मेन हेडर है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो मैं नीचे आऊंगा ना, देखिए जो क्लोज वाला डिस्क है उसके नीचे अंडरलाइन आता है, क्लोज वाला डिस्क उसके नीचे अंडरलाइन, तो इसी के आगे मैं क्या करूंगा कमेंट खोल दूंगा, इसी के नीचे मैं कमेंट खोल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा ये मेरा मेन हेडर का क्लोज है, इससे क्या होगा आप लोगों को चीजें याद रहेंगे, जो जो दूसरा बंदा भी आपको कोडिंग बोलेगा उसको क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसी के बाद यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे वापस डेट पर वो बोल दूंगा कमेंट, यहाँ पे लिखूंगा ये मेरे सेकंड मेन ट्रिप की क्लोजिंग है, सही है। उसको मैं कंट्रोल एस करूंगा और ये क्या होगा सेम हो जाएगा, लेकिन ये आपकी कोडिंग पर थोड़ी असर नहीं नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा प्रोफेशनल काम आप लोगों का रहेगा। कंट्रोल मैंने क्या कर दिया एस कर दिया, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश वगैरह करूंगा ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भाई इस पर, उल्टा यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ आ गया, देख लिया आप इसमें भी लिखा हो गया, कोडिंग में भी लिखा हुआ आ गया, कोडिंग में भी लिखा हुआ आ गया। तो हमेशा क्या करना है आप लोगों को कमिट के अंदर काम करना है, इसको क्या कहते हैं कमिट, तो क्या कहते हैं कमिट, ताकि आप सामने वाले को भी जब अपनी कोडिंग शेयर कराओ इसको तो पता चले कौन सी मेन डिप है कौन सी नहीं, क्योंकि पता है हम जो कोडिंग करेंगे तो वेबसाइट बनाएंगे ना तो 100 पेरेंट होगी, 100 चाइल्ड होगी और 1000 के करीब सिबलिंग होगी, तो कैसे फाइंड करोगे मेरी जान। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसी की तरीके के कमेंट बनाना है, मुझे पता है इसके ऊपर चला गया सब कुछ, बहुत खतरनाक बाउंसर था ये, इतना खतरनाक था कि नजर भी नहीं, लेदर की स्मेल हो गई, गोली हो गया, लेकिन जाहिर था उसको लंबा चलाएंगे अभी खत्म नहीं करेंगे तो चलाएंगे, तो इसी मैंने आप लोगों को ऐसे माइंड रेडी किया, सोचो नहीं कि पहली क्लास होगी मुझे समझ में नहीं, भाई पहली क्लास तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, ऊपर से चली गई थी नजर, मैंने उसको करा उसको वर्किंग करी खुद की एफर्ट लगाई कुछ जगह, अब मैं देख बता दूंगा पेरेंट डे पे चाहिए। अच्छा मेरे सामने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेन मेन डिश की और इसकी क्या पहचान होगी, किससे होगा डिश को हाईलाइट करके कैसे पकड़ा जाएगा, तो मैं सबला यूज करता गया, मैंने कहा होता है जब मैं अपने मेन डिश मेन अपने उस पे क्लोज क्लिक कर रहा हूं तो मेरे क्लोजिंग वाले के ऊपर अंडरलाइन बनी गई, तो इससे क्या मैं पहचान कर सकता हूं,
कमेंट का मुझे मेरे सर ने नहीं बताया था, कमेंट का मैंने क्या कहते हैं ऐसे कुछ पता है कर रहा था ना, कीबोर्ड ऐसे चलाता था बिना देखे ना कंट्रोल तब अपने स्लैश मेरा गलती से दब गया था, मैंने शॉर्ट बोल दिया था, इसके बराबर आप देखिए क्लोजिंग पे टैग है, अब अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो मैंने कंट्रोल दबा के ना वो कोई दूसरी चीज कर रहा था तो अचानक से नहीं कमेंट का खुल गया, मैंने कहा ये क्या चीज है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो मतलब सबलाइन ने मुझे बताया कि कमेंट ये होता है कि आप अपनी कोई भी रफ चीज मैथ पर रफ कॉलम बनाते हैं ना तो कोई हमारा आंसर पे तो असर नहीं पड़ता, तो इसके अंदर भी हम रफ कॉलम बना सकते हैं एक यूपी पर, तो ये मिसाल क्योंकि मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ कमेंट के अंदर कमेंट करता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो भाई, कोई मसला ना भाई अभी अभी इतना सा काम किया है कितनी लाइन का कोड हो गया 50, अब आप कम से कम अगर आप एक पेज बनाओगे 2 हेडिंग में 50 पेज का कोड आया हुआ है, अगर आप एक पेज बनाओगे कम से कम भी ना 2500 के करीब आपका कहीं है, 2500 तो आपकी मस्ट है, 2500 3000 लाइन आपकी यूज होंगी, ये बहुत मैंने बहुत अभी कम बताई, अगर आपका हाई फाई पेज हो ना तो